अबे मैं तेरा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तू है कौन पहले ये बता। अच्छा इधर आ बे। हमसे लेना नहीं पंगा, अपन है बहुत बड़ा लफंगा। लफंगा 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 सिंगापुर का लफंगा। हाँ वही लफंगा। अरे लफंगा भाई आप आइए बैठिए बैठिए बैठिए। ए भाई के लिए चाय लेगा भाई। उठिए उठिए उठिए। क्या हुआ? आप ऊपर बैठिए, आपका जहाँ हमेशा ऊपर रहेगा। अच्छा बस बहुत हुआ इंट्रो। दिल्ली भाई चाय। क्या रे सुने मैं तेरे एरिया में कोई लफड़ा हुआ है? लफड़ा कहाँ लफड़ा हुआ है? कोई लफड़ा नहीं हुआ है, देखिए सब ठीक है। हाँ कोई लफड़ा हो तो बताना। ठीक है भाई जरूर बताएंगे। चलो ठीक है अब हम चलते हैं। अरे भाई आप इतना बड़ा आदमी है तो फिर टोटोस क्यों है? तेरा भाई बहुत फेमस हो गया है, सबको आके खिंचाता है मेरे साथ फोटो और हम चलाते हैं टोटो। अरे वाह बजाओ ताली। बस अब हम घर जा रहे हैं। बाय बाय। भाई को रस्म कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चलो भाई के साथ। लेकिन हम लोग बक्सा ला करके बहुत बड़ा गलती कर दिया भाई, वो लोग बहुत खतरनाक आदमी है। मैं करता हूँ कुल्ली और कुच्चा, अपने बहुत बड़ा लुच्चा, मैं किसी से डरता। चल बक्सा खोलो। ठीक है भाई। इतना सारा पैसा हट हट। अबे तू इतना खुश क्यों हो रहा है? ये सारा पैसा भाई ले लेगा, हम लोग को थोड़ी कुछ मिलेगा साला। एक काम करते हैं हम लोग 10,000 बांट लेते हैं, भाई को थोड़ी पैसे लेगा, इसमें पूरा 200 का और है। हाँ ये ले तेरा 10,000, ये ले तेरा 10,000, ये ले 10,000, तू भी ले 10,000, 10,000 मेरा। तेरा कोई भाई को नहीं बोलेगा, हम बोल देंगे। काहे में हमको 20,000 चाहिए। एक काम करो ये लो 20,000, हमको भी बीजा चाहिए, हमको भी बीजा चाहिए। की एक काम करते हैं सब 20,000 बांट लेते हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो 10,000 मेरा। चलो अब कोई भाई को नहीं बोलेगा, हम बोल देंगे। कहे भी हमको 40,000 चाहिए। ए, कोई पैसा लेके नहीं जाएगा, सब पैसा बसम रखो। तो तू रख, तू रख बसम कर। ये सब पैसा भाई के पास जाएगा। चलो बक्सा चलो। हेलो हेलो लफंगा भाई। $10,000 का बहुत जरूरत है भाई, अगर तेरे पास है तो प्लीज मेरा हेल्प कर दो यार। अरे तू टेंशन क्यों रहा है, तूने लफंगा भाई के पास फोन किया है, अभी भेजते हैं। भेज दिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो ठीक है अब चलो अपना सिंगापुर चलिए। अबे रोड पे क्यों खड़ा है, चलो हटो रास्ते से। अबे तुम हटो रास्ते से, इधर से अपना भाई आ रहा है।
है भाई, हम रखते हैं बेलना चकला, पीछे देखो आ रहा अपना भाई टकला। कहाँ कोई आ रहा है? अबे तेरा पीछे नहीं, मेरा पीछे देखो। सुन बे टकला, हमसे लेना नहीं पंगा, अपन है बहुत बड़ा लफंगा। साला हमसे डर नहीं रहा? ए, उसको बता, बता उसको कि हम कौन है। अभी बताते भाई, बचपन में पढ़े थे काका काका अंगा, अपना भाई है बहुत बड़ा लफंगा। अरे साला फिर भी नहीं डर रहा है? कुछ खतरनाक बात बोलो ताकि सुनते ही एक बार में डर जाए, बोलो। अभी बोलते भाई, शादी के बाद हो जाता है बुतरू और चंगा, अपना भाई है बहुत बड़ा लफंगा। साला अभी भी नहीं डर रहा है? अरे कुछ खतरनाक डायलॉग बोलो ताकि सुनते ही एक बार में डर जाए। अभी बोलते भाई, मेरा भाई से लेना नहीं पंगा, मेरा भाई है सिंगारपुर का लफंगा। सिंगारपुर का लफंगा? सिंगारपुर का लफंगा? सिंगारपुर का लफंगा? अबे तुम लोग इतना डर क्यों रहा है? हम किसी से नहीं डरते, जा रहे लोगों रास्ता से मार काटा। ठीक है भाई, चलो। साला इन लोग ऐसे नहीं मानेगा, तुम्हें यही रुको, अभी अपना हाथ साफ करके आते हैं। लेकिन भाई आपका तो पहले साफ है, अब साफ करके आते हैं। लेकिन भाई आपका तो फिर भी साफ है, आप मारा गाड़ी। अब साफ करके आते हैं। हाँ जाइए। अब होगा नहीं कभी दंगा, क्योंकि आ गया अपना भाई लफंगा। आइए भाई, आइए भाई, आइए भाई, आइए आइए। लफंगा भाई, हाँ आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन आप टोटो क्यों आए हैं? अबे तेरा भाई बहुत फेमस हो गया है, सबको खिंचाता है मेरे साथ फोटो, और हम चलाते हैं टोटो। लेकिन भाई जब से मेरे तब से आपके साथ कोई फोटो नहीं खिंचा रहा है। देख क्या रहा है, फोटो खिंचा। तुम लोग क्या देख रहे हैं, तुम लोग फोटो खींचा वन बाय वन। देखा सबको खिंचाता फोटो, और हम चलाते हैं टोटो। देखे देखे भाई, भाई आइए भाई, ए भाई के लिए चिकन मटन ले गया। चिकन मटन? अबे हम तेल मसाला और सामान नहीं खाते। काहे भाई? काहे कि भाई का एक किडनी फेल है। इतने नंबर से साला भाई के साथ मजाक करते हैं, लफंगा भाई का मजाक पसंद नहीं है। सॉरी भाई। तो बताइए भाई क्या खाइएगा? रात में सोते बीवी के साथ हम खाते हैं पानी भात। पानी भात? हाँ, जा मेरे लिए पानी भात ले गया। ठीक है भाई, ए जा भाई के लिए पानी भात ले गया। हेलो भाई, पानी और भात? भात तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ भाई, आपके जाने के बाद हम लोग बहुत गरीब हो गए, हम लोग पानी पी के काम चला रहे हैं। लेकिन तुम लोग गरीब हुआ कैसे? क्या बताए भाई, आपके जाने के बाद कुछ गुंडे आए और हम लोग को बहुत मारा। और सब कुछ लूट के चला गया। और आपका सोने का बक्सा भी लेके चला गया। सोने का बक्सा? लेकिन हम तो बेड पे सोते हैं। अरे भाई वो सोना नहीं, आपका गोल्ड वाला बक्सा लेके चला गया। गोल्ड वाला बक्सा? हाँ भाई, उसमें तो मेरा माल है। माल? अरे वो माल नहीं, माल मतलब रोकड़ा, रोकड़ा। उसमें मेरा 200 करोड़ है। 200 करोड़? हाँ। बताओ किसने चोरी किया मेरा सोने का बक्सा? मुझे नहीं पता भाई,
मुझे पता है भाई। बोला किसने चोरी किया? छत्तीस गैंग वालों ने चोरी किया। छत्तीस गैंग? नहीं भाई, गैंग एक ही है, सिर्फ उसका नाम है छत्तीस गैंग। अबे वो छत्तीस गैंग का हो या पैंतीस गैंग का हो, हम किसी से नहीं डरते हैं। लफंगा भाई का बक्सा चोरी किया है, सारा छोड़ेंगे नहीं उसको। भाई पुलिस, पुलिस भाई अब क्या करें? टेंशन मत लो, मेरे पास एक दिमाग है। ये बक्सा में क्या है रे? लाश है सर। लाश है? लाश है तो बक्सा में क्यों नहीं दे रहा है? सर इसका आखिरी इच्छा था कि जब मैं मारूंगा तो मुझे बक्सा में लेके जाना। बक्सा में? सर हमको तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार बक्सा चेक कीजिए। सही बोला, चलो बक्सा को नीचे उतारो, हमको चेक करना है। नहीं नहीं सर, बक्सा मत चेक कीजिए सर, इसमें खाली लाश है, पैसा सा नहीं है सर। इस साल पैसा से बात कहाँ से आ गया रे? साला हमको जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है। बक्सा नीचे करो, हमको अभी चेक करना है। नीचे कर। इसमें तो खाली पैसा है, लाश कहाँ है? लाश तो जला दी है। और ये पैसा? पैसा को भी जलाने जा रहे हैं। लेकिन पैसा को क्यों जलाने जा रहा है? लाश का एक और आखिरी इच्छा था। क्या? जब हम मरेंगे तो मेरा सास और मेरा धन संपत्ति सब साथ में जला देना। ये उसका धन संपत्ति है, हम इसको जलाने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है? हाँ इसमें बात है। ठीक है जाओ जाओ, चलो चलो बंद करो, उठाओ उठाओ उठाओ। साला पहला ऐसा आदमी जिसका दो दो को आखिरी इच्छा था। चलो ए रुक रुक रुक, क्या हुआ सर? ये बक्सा को सोने का लग रहा है। हाँ सर सोने का ही है, लाश इसी में सोता था। अबे वो सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड का लग रहा है। हाँ सर गोल्ड का ही है, ये भी उसी की संपत्ति है, इसको भी जलाने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है? हाँ सर ऐसा बात है। ठीक है जाओ चलो चलो चलो। सर लगता है आपको ये बुढ़वा बना के चला गया। हमको बुढ़वा कैसे बनाया गया? हम तो पहले से बुढ़वा है। मतलब? मतलब इधर देखो, इंस्पेक्टर बुढ़वा सिंह। ठीक है तो चलो बुढ़वा, इज्जत से। हाँ तो चलिए बुढ़वा सर। चलो उधर देखो, सुन बे चुपचाप से सोने का बक्सा हमको दे दो। वो बक्सा मेरा है। नहीं देंगे तो क्या कर लेगा बे? अच्छा बे उसको बताओ कि हम कौन है। अभी बताते भाई, शादी के बाद हो जाता है बुतरू। चला तू चुप कर, हम बोलेंगे। हमसे लेना नहीं पंगा, पूरा सिंगारपुर का लफंगा। भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है, जहाँ से मैं बक्सा चोरी किया वहाँ का ये मेन आदमी है। अबे मैं नो या मैं नो, हम किसी नहीं डरते। अब ये बक्सा अपना भाई का है। कौन है बेचारा भाई? बता रहे कौन है अपना भाई? रखते बेल्ला और चकला, उधर देख आ रहा अपना भाई टकला। अरे साला ये तो वही टकला है, साला इसका तो थोड़ा सा बाल आ गया। क्या है टकला, उस दिन मारे थे भूल गया? बहुत अच्छा से याद है, उसी दिन का तो हिसाब किताब बराबर करना है। अच्छा तो हमको भी कॉपी कलम बराबर करना है। टुकुर टुकुर क्या दे रहा है, जाओ मार के हिसाब किताब बराबर करो। ठीक है टेकला भाई चलो रे। रुको, इन लोग का अभी कॉपी कलम बराबर करके आते हैं। Yeah.
ड्रेस देख के क्या लग रहा है? पुलिस लग रहा है। हाँ तो पुलिस ही है इंस्पेक्टर गुरबख सिंह। हाँ तो हम कब बोले तू होशियार है? साला पुलिस से जमा लड़ा था, हमको सब पता चल गया ये बक्सा किसका है। रे सबको जेल लेके चलो। अरे ओ इंस्पेक्टर गुरबख सिंह, शायद तुम हमको सही से जानता नहीं है, हम पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सर ये सही बोल रहा है, साला बड़ी खतरनाक आदमी है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, साला खाली पैसा पैसा करते रहता है, पैसे के लिए लेते रहता है, पैसे को खाएगा क्या? हाँ खाएंगे, क्या करेगा बे? साला जेल में बताएंगे कि हम क्या कर लेंगे। रे सबको जेल लेके चलो। ठीक है सर। तीन दिन से कुछ नहीं खाया यार, ऐसे तुम लोग भूखे मर जाएंगे। कुछ खाने के लिए मांगो। ठीक है अभी मांगते हैं। अरे बुढ़वा सर, सर हम लोग तीन दिन से कुछ नहीं खाए सर, कुछ खाने के लिए दीजिए, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अच्छा खाना चाहिए? हाँ वही तो बोल रहे। अब अंदर इन लोगों को खाना दो। यस सर। ये लो। अरे बुढ़वा सर ये क्या? बोला था ना पैसा को खाएंगे, अब खाओ पैसा को।